हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आपके खुद के चैनल यू एंड मी पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक होने वाला है एक्ने और पिंपल पे हम बात करेंगे। दोस्तों, हमारे टीनेजर सबसे ज़्यादा परेशान एक्ने और पिंपल से ही होती हैं। पिंपल्स एक ऐसा चीज़ है, अगर बड़े बड़े अगर एक एक दाना आ जाए तो कोई नहीं, उसका तो कोई इलाज ज़रूर होता, पर एक्ने एक ऐसा डिजीज़ हो जाता है फ्रेंड्स कि वो चारों ओर छोटे छोटे दाने दाने करके आपके स्किन पे फैल जाता है। और उससे कैसे निजात लाएं, कैसे आप उससे रिलीफ मिले, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टीनेजर्स को समझना होगा उसे कैसे क्लीन अप आपके फेस को करना है और कैसे इससे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो आज मैं आपके साथ वो 4 स्टेप शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने साथ भी करती हूँ, साथ ही बहुत सेफ है फ्रेंड्स और आप इसको इजीली अपने घर पे कर सकते हो और इससे आपके एक्ने बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर पिंपल और एक्ने होते क्यों हैं। तो आप सोच रहे होंगे पिंपल और एक्ने होते क्यों है? तो पिंपल और एक्ने इसलिए होते हैं फ्रेंड्स क्योंकि हमारे स्किन में भी पोर्स होते हैं। जब वो पोर्स में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और कुछ गंदगी, जो ऑयलनेस जो आती है, वो अगर पोर्स को ब्लॉक कर दे तो दोस्तों उसमें एक सीबम क्रिएट होता है और धीरे धीरे वो एक्ने और पिंपल का रूप ले लेती है क्योंकि हम क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हैं अपने फेस का इसीलिए। और साथ ही ये भी होता है कि अगर आपकी हार्मोनल एक्सचेंज जो टीनेजर्स के टाइम ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी कभी कभी होता है आपको पिंपल और ये सारी चीज़ों को देखने को मिलता है आपके फेस पे। तो इस सारी चीज़ों का सोल्यूशन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि है फर्स्ट स्टेप में। तो करते हैं इस वीडियो का स्टार्ट। तो हमारा पहला स्टेप होगा दोस्तों स्टीमिंग। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे स्टीमिंग करने के लिए गर्म पानी, उसे मैंने लौंग के साथ उबाला है क्योंकि लौंग एंटीसेप्टिक का काम करेगा, साथ ही एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत सही होता है। अब स्टीमिंग लेने के लिए हम टॉवल के हेल्प से अपने फेस को इस तरीके से कवर अप कर लेंगे, लेकिन आप भाप उतना ही लें जितना आप सह सकते हो। स्टीमिंग लेने से हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी क्लियर होगा। क्लीनिंग साथ में ही टोनिंग। फ्रेंड्स, हम अपने फेस पे अब टोनिंग कर लेंगे गुलाब जल की हेल्प से। ये अच्छा टोनर का भी काम करता है, इससे हमारा फेस क्लीन हो जाएगा और स्टीम लेने से जो पोर्स ओपन हो गए हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अब इस तरीके से हमारा फेस पूरा क्लियर हो जाएगा, इससे एक्सेस ऑयल भी निकल जाएगा हमारे फेस का जो भी है। फ्रेंड्स, इसका रिव्यू मैंने गुलाब जल का अपने वीडियो पर किया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, प्लीज़ इसे एक बार जरूर चेक। तीसरा स्टेप है फेस पैक। बनाएंगे फेस पैक, इसके लिए लेना होगा मुल्तानी मिट्टी, नीम पत्ता का पाउडर, चुटकी भर हल्दी, लेकिन मैं तीनों चीज़ अलग अलग नहीं लेना चाहती, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं आयुर का नीम फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पैक में दोस्तों हल्दी नहीं थी, इसलिए मैं इसमें अलग से हल्दी ले रही हूँ और मैं मिला लूँगी इसमें रोज़ वाटर और एक नॉर्मल फेस पैक तैयार करूँगी, आप चाहो तो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब पैक तैयार, फेस पैक को अपने फिंगर की हेल्प से लगा लूँगी, आप चाहो तो पैक ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें है मुल्तानी मिट्टी जो आपके फेस के एक्सेस ऑयल को क्लियर करेगा, साथ ही आपके स्किन को थोड़ा सा ग्लो भी देगा, और साथ में इसमें नीम का पाउडर जो कि एंटीसेप्टिक फेस पैक है, आप अच्छे से जानते हो, आपके बैड बैक्टीरिया को किल करेगा, साथ ही आपके एक्ने पोर्न को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें साथ में लिया है हमने टर्मरिक जो कि आपके स्किन को लाइटन अप ब्राइटन अप करती है, साथ में उसमें है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, उसमें भी बहुत ज़्यादा है जिससे आपके एक्ने में बहुत ज़्यादा इसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टर्मरिक दोस्तों हमारे लिए। अब इस फेस पैक को मैं 10 मिनट तक सूखने के लिए दूंगी और उसके बाद नॉर्मल पानी से क्लीन। सूख चुका है दोस्तों, अब मैं नॉर्मल पानी से क्लीन कर लूँगी, अपने फेस को पैट ड्राई कर लूँगी। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इस सारे रेमेडीज़ यूज़ करने के बाद मेरा फेस एकदम फ्रेश फील कर रहा है, जितना भी डस्ट, इम्प्योरिटीज़ जो भी थे मेरे फेस में, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब क्लियर हो चुके हैं, देखिए कितना ग्लो कर रहा है। फ्रेंड्स, हमारा 4th स्टेप होगा कि हम अपने स्किन को मॉइस्चराइजिंग कैसे कर रहे हैं, साथ ही स्पॉट रेमेडी। इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा विटामिन ई के कैप्सूल, एलोवेरा जेल और एक नीडल, ताकि उसकी हेल्प से हम विटामिन ई के कैप्सूल के लिक्विड को निकाल। मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए हम साफ़ सुथरी हथेली, याद रखिएगा आपके हाथ क्लियर हो, उसके बाद उसमें ले लेंगे एलोवेरा जेल। उसके बाद फ्रेंड्स आती है विटामिन ई की बारी, विटामिन ई के एक कैप्सूल लेंगे, उसे हम नीडल की हेल्प से पॉक कर लेंगे और उसके बाद उसका सारा लिक्विड उसके साथ मिक्स कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। और उसके बाद फ्रेंड्स उसे मिक्स करने के बाद देखिए, हाँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि एलोवेरा जेल आपको पता है बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी और इतने अच्छे से आपके दाग धब्बों से क्लियर करेगी, साथ ही विटामिन ई आपके डेड सेल्स को क्लीन करती है और आपकी स्किन को रिपेयर करती है। दोस्तों, नाइट क्रीम में आप देखिएगा, कोई भी नाइट क्रीम में विटामिन ई ज़रूर रहता है, और अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स के बहुत ज़्यादा गहरे दाग हैं तो ये इसको सबसे ज़्यादा विटामिन ई ही ठीक करने में हेल्प करती है।
इससे आपके डार्क सर्किल भी क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से आप इसे मसाज करके एकदम जेंटल हाथों से, नॉर्मल हाथों से, उसके बाद आप रात को सो जाइए, मॉर्निंग में नॉर्मल पानी से क्लीन कर ले। एक्ने तो होते हैं छोटे छोटे, इस सारे प्रोसेस तो आप करेंगे ही, लेकिन इस बीच अगर आप बड़ा पिंपल आ जाए तो आप लेंगे लौंग का पाउडर, साथ में हनी मिक्स करें और ईयरबड की हेल्प से उस जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको पिंपल्स आ गए हैं। अब आप इसे रात भर ऐसे ही रहें। तो देख लिया फ्रेंड्स कितना आसान है इस तरीके से अपने स्किन का केयर करना, वो भी अपने घर में रह कर। स्टीमिंग को अब बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपको पता है जब तक स्टीमिंग से हमारे पोर्स क्लीन होंगे उसके बाद ही कोई फेस पैक अच्छे से हमारे स्किन पे काम करता है। आप इसे इस तरीके से ही करें जैसा हमने बताया है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो जो आपको हमसे पूछनी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन का हेल्प लेकर आप कमेंट करके मुझसे सवाल कर सकते हो। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक भी जल्दी जल्दी कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो और ऐसे ही जा रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बाद आएगा बेल आइकन, उसे हिट ज़रूर करिएगा ताकि मेरे ऐसे यूज़फुल वीडियो से आप हमेशा अपडेट रह सको। अब दोस्तों मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटी।